हमारे देश के वित्त मंत्री ने यह कहा कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? आज देखिए, अभी हमारे देश के वित्त मंत्री ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि रुपये की कीमत के संबंध में मोदी जी सही बात नहीं बता रहे हैं। श्रीमान चिदंबरम जी, हम तो आपके जितने विद्वान नहीं है, हम तो चाय बेचते बेचते यहां आए हैं। हम गरीब मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन चिदंबरम साहब, आप तो कम से कम देश की जनता को जरा सच बताइए। भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी तब पोखरण का अणु धड़ाका हुआ था, पोखरण विस्फोट किया था, सारी दुनिया ने आर्थिक संकट में हमें डाल दिया था, सारे आर्थिक व्यवहार दुनिया ने बंद कर दिए थे। उस संकट के कालखंड में भी, अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में रुपया 40-45 के आसपास रहा करता था, 40-45 के आसपास। श्रीमान चिदंबरम जी, आपका रुपया तो लुढ़क गया, अस्पताल के दरवाजे के चक्कर काट रहा है, 65 पर लगा दिया आपने। आपने रुपये को डॉलर की तुलना में 65 रुपया कीमत में लगा दिया। ये रुपये की ताकत घटाने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपके पापों ने किया है। और मैं दोबारा आरोप लगाता हूं आपको, आप पे हिम्मत हो तो इसका जवाब दो। अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां रुपया की कीमत छोड़ी थी, क्या उसमें गिरावट आई है कि नहीं आई है? क्या रुपया लुढ़क गया है कि नहीं गया है? क्या रुपया अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि नहीं काट रहा है? आप अनाप शनाप बयानबाजी करके कितने दिन तक सच को ठुकराते रहोगे? भाइयों बहनों, और सारा गुनाह सोने का है ऐसा कहते